तो अभी मैं यहाँ पे ना एक सिक्का डाल के देखूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी होती है या नहीं। कांड हो गया भाई। तो फाइनली यार बस सब रेडी हो चुकी है, तो चलो मैं तो फ्रंट सीट पकड़ूंगा भाई, क्योंकि मेरे को व्लॉग करना है ना। तो बस का सफर हो चुका है कंप्लीट, अब यहाँ से है पैदल अराउंड 1-2 किलोमीटर। वैसे हम लोग गाड़ी से भी जा सकते थे, पर हम अभी पैदल ट्रेवल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ का जो नज़ारा है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसको पैदल में जो फील किया जा सकता है वो गाड़ी से नहीं किया जा सकता, इसलिए पैदल राइड कर रहे हैं हम लोग। सो भाई लोग फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भाई जागेश्वर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग की जो हमारी स्टार्टिंग हो रही है भाई वो हो रही है जागेश्वर के खूबसूरत से पहाड़ों से। और यार मेरा फर्स्ट टाइम ये है कि मैं इसको देख रहा हूँ, मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि इसको देखने का, और आज फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ यार, और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ भाई। देखो कितनी मस्त सी लोकेशन है, और यहाँ पर आके ना एक अलग सी वाइब क्रिएट होती है जो भाई अलग है। यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे देवदार के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं भाई। जहाँ पे देवदार होते हैं ना तो वहाँ पे ठंड भी काफी ज्यादा होती है वहाँ पे, और यहाँ पे ना बर्फ भी काफी ज्यादा गिर जाती है। तो अभी हमारे जो भी लोग हैं सारे यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो इनके साथ जाएंगे, देखेंगे क्या कार्यक्रम है यहाँ पे अभी हमारा, और घुमाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ इधर के बारे में। सो चलो। तो अभी मैं खड़ा हूँ जागेश्वर की पवित्र धरती पे, और ये उत्तराखंड के प्रमुख देवस्थलों में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, साथ में ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ये मंदिर अल्मोड़ा जिले से 38 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर में पूरे 108 मंदिरों का समूह है, जिसमें 4 से 5 मंदिर प्रमुख हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि जागेश्वर में सारे मंदिर केदारनाथ की तरह निर्मित हैं। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ भाई, यहाँ पे एक नदी है बहुत अच्छी सी जहाँ पे बंदर रहते हैं, तो ये है भाई गंगा। यहाँ पे हम लोग चरण वगैरह धो सकते हैं, और चरण धोने के बाद फिर जाएंगे यहाँ से मंदिर। सो लेट्स गो। ये नीचे किस चीज का फूल है? ब्रह्म कमल। इसमें तो ये सिक्का डालने से इसकी मनोकामना पूरी होती है। ओ, तो हम भी डाल के देखें। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे ना एक सिक्का डाल के देखूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी होती है या नहीं। ओके, मन्नत का तो पता नहीं, पर हाँ जन्नत जरूर है यहाँ पे। तो ये है मंदिर का मेन गेट, और अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में भाई शिव जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलो पूजा पाठ करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो अभी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं भाई, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाया, तो अभी पूजा पाठ कर लिया बढ़िया चंदन वगैरह लगा के, अभी बाहर आ चुके हैं, थोड़ा सा बाहर पे घूमेंगे एंड उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा मार्केट की तरफ, या उधर को कहीं भी घूम लेंगे, देख लेंगे जो भी सीन होता है। सो अभी हम मंदिर से बाहर निकल के अब आए मार्केट की तरफ, और यहाँ से देखेंगे भाई कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अट्रैक्ट कर रही हैं भाई। तो भाई ये बुलेट बनाई है, देखो नट बोल्ट कस के साइकिल की चेन लगा के, यूनिक सी बुलेट है भाई। तो अभी हमें सॉफ्टी की शॉप मिले, तो यार कुछ ले लेते हैं, सुबह कुछ खाया नहीं है ना हमने। ला आजा, कितने की है भाई ये? 4 दे दो यार। तो सॉफ्टी आ चुकी है भाई, और ये ना बहुत ज़्यादा गल रही है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, गर्मी नहीं ठंडा है, फिर भी गल रही है भाई ये क्या है ये? एक सच्ची सी बात बताता हूँ भाई, इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया पूरी मार्केट में, जिस दुकान में जा रहे हैं दुकानदार को परेशान कर रहे हैं, और जिसके साथ घूम रहे उसको परेशान कर रहे हैं भाई। इस दुकान में देखो कोई नहीं है, और ये देखो जबरदस्ती घुस रहे हैं वहाँ दुकान में, ये है इनकी हालत भाई। यार इन लोगों के साथ घूमने में बड़ा बड़ा बवाल है, कोई तोड़ देगा भाई। कितने काम है इसके? दो काम हो सकते हैं, क्या क्या? एक तो बजा सकते हैं, फूक सकते हैं। वाह, तो ये भाई देखो 2-in-1, बिल्कुल ये 2-in-1 बना रखा है भाई इन्होंने, बहुत सही बहुत सही। ये है हमारी सेकंड शॉप जहाँ पे हम सेकंड टाइम आ रहे हैं सॉफ्टी खाने। लो सर, पिछले वाली में मजा नहीं है, बट ये वाली बहुत मस्त है। अब हम आ गए हैं उसके बाद पकौड़ी वाली शॉप पे, तो यहाँ से पकौड़ियाँ लेंगे, सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं भाई हम आज जागेश्वर का। तो ये है स्पेशल पकौड़े,
नाप के दिया यार। अभी यार हमारे फोन की भी बैटरी लो हो चुकी है, तो इसलिए मैं अभी इस वाले फोन से चार्ज कर रहा हूँ। इसमें रिवर्स चार्जिंग का फीचर है ना, तो हम फोन चार्ज कर सकते हैं। तो अब आए भाई गोलगप्पे की स्टॉप में, तो अभी यहाँ पर है भाई गोलगप्पे, तो गोलगप्पे ट्राई करेंगे एक बार। ये अब आया मेरा नंबर, तो अब हम खाएंगे गोलगप्पा। दिखे मेरे मुंह में डाल दे भाई, से इक्की मुझे खिला दे यार। गोलगप्पे खाने के बाद भाई पानी नहीं पिया, तो फिर इन सबने मिस कर दिया। ऐसी बॉल है, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट कर ली है, टेस्ट करने में मजा आ रहा है हर एक चीज थोड़ा थोड़ा। अभी हमको एक चीज और टेस्ट करनी है, अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए कोई स्पेशल चा, फिर हमारी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। सेंटर में आ रहा है क्योंकि इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो हमें लास्ट कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए हम अब कोन ले रहे हैं। तो अभी सारा कुछ करके अब हम जा रहे हैं भाई खाना खाने के लिए वापस, जहाँ पे उतरे थे 2 किलोमीटर आगे वहाँ, और वहाँ जो है खाना बनाया है भाई हमारे लिए, पहले से ही बना दिया होगा, मतलब अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वहीं रुक के वहीं खाना बना रहे थे। तो हम अब जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या सीन चल रहा है, खाना वाना बन गया होगा तो खाएंगे पियेंगे फिर बिंदास, और एक चक्कर फिर मंदिर आएंगे। और फिर तो सब लोग खाने की तलाश में लगा अलग लगे हैं भाई, ऊपर को खाने का कोई पता नहीं है कहाँ है भाई, थक के हालत ख़राब हो गई है, लेकिन सब लगे हैं। देखो मंदिर से करीब 4 किलोमीटर आ चुके हैं हम, और अभी आधा ही किलोमीटर और है भाई, हाथ हाल खराब होगी। सो यार फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं, और 2 गाड़ियों के बीच में लगा भाई खाने का सीन, और मैं बैठा हूं अभी यहां पे चाय लेके, और सामने देखो भाई जन्नत क्या लग रहा है यार, लिटरली सुकून है भाई, सुकून बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर से आके यहाँ पे बैठने हो भाई। तो अभी बच्चे बैठ गए भाई खाने के लिए, तो इनको खिलाते हैं खाना अभी बढ़िया, और मैं भी खाता हूँ। और सामने का व्यू देखो यार, क्या भाई ऐसे व्यू में खाने में मजा आएगा, जबरदस्त लग रहा है भाई। चलो प्लेटें लेटे लगाते हैं सर। तो यहाँ पे 2 डॉग्स हैं, देखो इसका नाम है डॉलर, और इधर पे एक है इसका नाम यूरो है, ये खतरनाक से नाम है। चलो बच्चों खाने के लिए रेडी हो जाओ, लो सर प्लेट। लगे मौका भाई हम भी बैठ गए खाने के लिए, तो खा ही लेते प्रसाद ग्रहण, सुबह तो कुछ नहीं खाया भाई। चलो भाई लोगों ठूसो, तो अभी खाना पीना हो चुका है भाई, आप चल रहे हैं घर की तरफ। तो अभी मैं तिरपाल उठाने के लिए बस की छत पे आया हूँ भाई, यहाँ से जो लुक आ रहा है ना वो अमेजिंग है भाई। चलो भाई चलते हैं फिर आप घर को। तो अब बसेस निकलने के लिए रेडी हो चुकी हैं भाई, सो चलो चलते हैं और मिलते हैं सीधा घर। तो कांड हो गया भैया घर जाते जाते, ओए भाई हट जा ए बच्चा, सब लोग उतर जाओ जितने हो। तेरे अल्मोड़ा से पहले पहले भाई कांड हो गया।